भाई लोग कैसे हो? हाल चाल बढ़िया सब? आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया मोटो ब्लॉग लेके जा चुका हूँ। आज की इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं गंगा जल घाटी और अमरकनन। तो बेसिकली वहाँ पर जो है, मैंने पिछले भी एक जो है ब्लॉग डाल रखा था, लेकिन वो क्या था कि बहुत पुराना था। तो अभी जो है बहुत सारा जो है डेवलपमेंट हुआ है वहाँ पर, तो इसके कारण जो है एक नया ब्लॉग आपको दिखाने का कोशिश करूँगा आज। तो आज जो है हम और मेरा एक दोस्त जा रहा है, तो अभी जो पांचबागा रेल गेट के वहाँ पर जो है हम थोड़ी देर रुकेंगे। वहाँ से जो है दोस्त आएंगे, फिर जो है साथ में आगे का जो जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे। अभी जो है फ्लाईओवर रेडी नहीं हुआ है, अभी भी यही सीन है। आज का जो वेदर है, लगता है बारिश गिरेगा, लेकिन जो है हम लोगों का प्लान हो चुका है, तो हम प्लान तो कैंसिल नहीं करेंगे। तो अभी जो है सावन का महीना चल रहा है, तो काफी भीड़ है यहाँ। ये हम आ चुके हैं पांचबागा रेल गेट, काफी बुरा हाल है। तीन चोटी पहुंच चुके हैं, लेकिन काफी ज्यादा ही भीड़ है यहाँ पर। तो हम जो है आगे थोड़ी देर रुकेंगे, फिर जो है हमारा दोस्त आ जाए तो साथ में जो है हम कंटिन्यू करेंगे। तो हम जो है हेलमेट का जो ग्लास है वो नीचे कर दिए हैं, ताकि जो रिकॉर्डिंग है वो थोड़ा सा अच्छा हो सके। तो आज हम जा रहे हैं भाया नेक फोटिंग, जो गंगा जल घाटी का मेन जाने का जो रास्ता है उससे ही जा रहे हैं। तो अभी हम जो है थोड़ी देर आगे वहाँ पर रुकेंगे। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो है 3:24, और टोटल किलोमीटर है यहाँ से कोरो पहाड़ के लिए। पहले हम कोरो पहाड़ जा रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे गंगा जल घाटी, जो गंगदुआ डैम है वहाँ पर। तो कोरो पहाड़ जो डिस्टेंस है यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर ही है, और 4:04 पे दिखा रहा है कि हम पहुँच जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा डिले होगा क्योंकि हम जो है यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे। तो दोस्त जो है वो रेडी हो गया है, वो भी मतलब ऑन द वे ही है, आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ी देर रुकते हैं और फिर जो है आगे का जो जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे। भाई लोग, अभी जो है हमारा दोस्त आ चुका है और वो पीछे ही है, और हम जो है आगे का जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन उसके बीच में क्या हुआ, बहुत तेज अचानक से बारिश स्टार्ट हो गया, बस हो गया, तो हमको फिर से रुकना पड़ा था थोड़ी देर। और अभी जो है फिर से लगता है बारिश स्टार्ट होने वाला है, और बूंदाबांदी थोड़ा सा गिर भी रहा है, लेकिन उतना नहीं है जो है आपका गोप्रो को बंद करना पड़े, लेकिन फिर से जो है बारिश स्टार्ट। अब जो है फिर से रेनकोट पहनना पड़ेगा।
भाई लोग फिर से रुकना पड़ा। अब टाइम हो रहा है 3:45। अब क्या ही करें, रुकना पड़ रहा है, फिर चलना पड़ रहा है, फिर रुकना पड़ रहा है। अब मैं तो जो है अब रेनकोट पहन सकता हूँ और बारिश में भी चला सकता हूँ, लेकिन गोप्रो को तो बंद करना पड़ेगा। और इस ट्रिप का जो है मेन मकसद यही है कि हम ब्लॉगिंग कर सके, तो आपको दिखाने के लिए ही बेसिकली हम लोग जा रहे हैं आज। तो अगर वो ही ना हो तो जाने का क्या ही फायदा, तो इसलिए हम जो है बारिश हो रहा है तो रुक रहे हैं। अगर लगातार होता ही रहे तब तो जो है कैंसिल ही करना पड़ेगा। तो अभी जो है हम जुनबेतिया पहुंच चुके हैं और बारिश जो है बिल्कुल थम चुका है। अब मेरा जो दोस्त है वो घर गया था अपना रेनकोट लेने, वो भूल गया था, तो उसके कारण भी थोड़ा सा लेट हुआ। कोई बात नहीं, अभी टाइम है, वो दिखाने में कितना ही टाइम लगे। तो चलिए, अभी जो है हम हतीहट लगभग पहुंचने वाले हैं। जुम्मेदिया का क्रॉस कर लिए हैं, तो बारिश होने के कारण जो है ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गया है। अब बाइक में भी पसीना दे रहा है, मतलब हेलमेट तो पहने रखा हूँ। तो अभी यहाँ से जो है लगभग 23 किलोमीटर बाकी है और बादल नहीं है, लगता है अब क्लियर हो चुका है, जो बारिश होना था वो हो चुका है, लग तो यही रहा है। अब बारिश हो जाए तो क्या ही बताए, लेकिन ये ट्रिप होगा आज। सतीघाट अगर क्रॉस कर लिए हैं तो ट्रिप अब कैंसिल नहीं होगा, जैसे भी करके वैसे भी करके जो है आज आपको ब्लॉग मिलेगा ही। तो जो है काफी मॉइस्चर आ रहा है, तो जो है स्क्रीन को भी थोड़ा सा क्लीन भी कर लेते हैं, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग में क्या होता है कि कैमरा को हम देख नहीं सकते अब वो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कुछ टाइम ऐसा भी हुआ कि पूरे रास्ता जो है वो चले गए और कैमरा जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं किया। कभी कभार क्या होता है कि जो ऑडियो जैक है वो निकल जाता है, तो मोटो व्लॉगिंग में ये सारा जो है वो प्रॉब्लम आता है, दिक्कत बहुत है इसमें। अब रेलवे ब्लॉगिंग फ्लाइट ब्लॉगिंग में क्या हो रहा है कि हम तो स्क्रीन के तरफ ही देख रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम पता चल रहा है कि हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, सही से हो रहा है, कोई तार नहीं निकल गया या नहीं। लेकिन मोटो ब्लॉगिंग में क्या हो रहा है कि ब्लाइंडली सब कुछ करना पड़ रहा है। तो जो है एक मिट्टी का टेम्पोररी यहाँ से रास्ता बना गया है, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे मेन रोड से ही, क्योंकि जो है इस रोड बहुत खराब है। तो ये रहा वो सतीघाट का पार्क। तो अभी जो है हम वही प्लेस एंटर कर रहे हैं, लखाताड़ा। तो यहाँ पर जो है दिवाली के टाइम बहुत यहाँ पर फेमस होता है ये प्लेस।
तो चलिए अभी जो है दोस्त आ चुका है लगभग, तो अब जो है एकदम कंटिन्यू करते हैं। बादल जो है वो भी हट चुका है, एकदम नीला आसमान आप देख सकते हैं, तो अब नहीं रुकेंगे। ये रहा बांकुड़ा यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स एकेडमी, तो बांकुड़ा यूनिवर्सिटी भी हम जो है क्रॉस करेंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी जो है हम हेबीर मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं स्वती घाट से, तो एकदम नॉन स्टॉप ही चलेंगे सीधा कोरो पहाड़ तक, क्योंकि जो है काफ़ी लेट हो चुका है, लगभग 4 बजने वाला है यहाँ पर ही। तो अभी दिखा रहा है कि 4:26 पर हम पहुँचेंगे, तो अभी भी ठीक है, उतना ज़्यादा जो है लेट नहीं हुआ है। तो जो है अब यहाँ पर हम जो है सोती घाट का, ये वही रास्ता है जो वो मिट्टी वाला जो रोड आपने देखा वही इससे आके मिल रहा है। तो पहले जो था यहाँ पर एक ब्रिज था, लेकिन वो जो है बारिश के कारण टूट गया था बहुत साल पहले, आज नहीं, लगभग 16-17 के टाइम पे टूट गया था। अब तब से ये ऐसा ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो है कोई डेवलपमेंट का कोई सीन नहीं है, जो ऐसा है वो वैसा ही पड़ा हुआ है। सिर्फ जो नेशनल हाईवे है वो ठीक है, जैसे कि ये है। तो आप सीधा वाला जो रोड देख रहे हैं ये पानागढ़ कोलकाता दुर्गापुर की तरफ जा रहा है। अब ये जो है सनामुखी पात्रोसर और आपका जो बांकुड़ा मोसाग्राम जो लाइन था वो भी इस रूट पे ही मिलेगा। तो हम जो है ले लिए हैं गंगा जल घाटी की तरफ का जो रोड है वो वाला। तो ये जो रोड है ये NH-14 रोड है, ठीक है। तो ये रोड का जो नाम है वो है आपका खड़गपुर मोरग्राम NH-14। तो ये है आपका FCI बांकुड़ा का। तो और अभी थोड़ी देर आगे ही जो DAV स्कूल है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरा जो दोस्त है वो स्कूटी से आ रहा है, तो मैं बाइक से जा रहा हूँ, तो इसलिए वो थोड़ा जो है धीरे चल रहा है। तो यहाँ से जो मेजिया का किलोमीटर है 36, रानीगंज 46, और बाकी का आप देख ही सकते हैं, मैं इतना जो है स्पीड में क्रॉस कर लिया। तो अभी जो है DAV स्कूल के लगभग पहुँच चुके हैं DAV स्कूल, काफ़ी जो है मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है किसी ग्लास के ऊपर, या तो स्क्रीन को भी जो है क्लीन करना पड़ रहा है। तो ये आ चुके हैं हम DAV पब्लिक स्कूल, बोर्ड देख सकते हैं। तो ये है बांकुड़ा का DAV, देख सकते हैं DAV पब्लिक स्कूल। अब ये जो है ना ये बहुत बेकार लगता है स्पीड में। तो जो है फिर से हमारा जो बास्केट है उसका लॉक लगभग खुल चुका है, तो इसको जो है बार बार से ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि देख सकते हैं ये जो चाबी है ये टूट के अंदर ही रह गया है ये वाला। तो यही कारण है कि बार बार जो है बंद करना पड़ रहा है और फिर निकलना पड़ रहा है, बंद करना पड़ रहा है फिर निकलना पड़ रहा है। तो ये जो है ये स्पीड ब्रेकर का कारण ही जो है वो वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट होने के बाद जो है वो लॉक खुल रहा है। वैसे तो ये लॉक जो है पूरा फिक्स ही है, खुलेगा नहीं, वो जो है एकदम जो है निकलने के बाद ही जो है मतलब बारिश स्टार्ट हो गया। तो ये फ़ोन GoPro इसको जो है अंदर रखने के कारण जो है हड़बड़ी में जो है लॉक टूटते अंदर रह गया। अब इस टाइम पे क्या ही करे, क्या ही रिपेयर करे या जो भी करे, तो हम जो है ऐसे ही चलना पड़ेगा। तो हम जो है लगभग बांकुड़ा यूनिवर्सिटी जो है उसके लगभग करीब पहुंच चुके हैं।
है प्राइवेट बंगलो, देख सकते हैं हम, बंगाली में लिखा हुआ है, क्या लिखा है पता नहीं। तो ये जो बिल्डिंग है देख रहे हैं, ये सभी जो है बांकुड़ा यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग है। तो अब इसका जो मेन गेट है वो आगे है, ये रहा। तो ये है बांकुड़ा का फेमस बांकुड़ा यूनिवर्सिटी। अब फिर से जो है ये खुल जाएगा, तो इससे अच्छा जो है हम हाथ से इसको पकड़े रहे, ताकि जो बास्केट है वो ज़्यादा वाइब्रेट ना हो और वो लॉक खुले ना। तो अभी जो है हमने बांकुड़ा यूनिवर्सिटी को क्रॉस कर लिया है। तो चलिए भाई लोग, अभी जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो है म्यूज़िक को एंजॉय करते रहिए, और तब तक हम जो है मिलते हैं। और जी अगर बीच में बात करना हो तो फिर से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जो है अभी यहाँ पर जो है हम अर्जनपुर और कंचनपुर, ये सभी जो गांव हैं इसको क्रॉस करेंगे, और उसके बाद हम पहुँचेंगे अमरकानन। तो चलिए अभी जो है म्यूज़िक को एंजॉय करते रहिए। अभी जो है कंचनपुर गांव को क्रॉस कर रहे हैं। तो यह है मेरा कंचनपुर गांव। तो अभी अगर हमको मुकुटमणिपुर जाना है तो बाईं तरफ घूमना पड़ेगा, और अगर रानीगंज मेजिया की तरफ जा रहा है तो सीधा जाना है, तो हम सीधा ही जाएंगे। तो गंगा जल घाटी बांकुड़ा से पहुंचने का आपका तीन रास्ता है। एक जो है मैं इस पे जा रहा हूं, दूसरा वाला जो है वो आपका है मानखा नाली होके आवलिया मानखा नाली, उस साइड पे एक है। तो वो बेसिकली जो है उस साइड से आके ये रोड पे ही वो आगे मिलेगा, जस्ट अमरकानन के आगे, तो आपको दिखा देंगे। और आपका जो है एक छातना से होकर जाता है, तो आपको जो है मैं ये वाला रोड पे जा रहा हूँ, मतलब जो NH-14 है। तो दो और रास्ता है, तो वो भी जो है आपको बता दिया। और ये जो रास्ता है ये लगभग जो है जंगल जैसा ही है, और वेदर भी काफ़ी अच्छा है, वेदर है। तो अभी और जो है लगभग 10 किलोमीटर के आसपास बाकी है, और टाइम हो रहा है 4:07, और
बादल जो है वो बिल्कुल नहीं, एकदम क्लियर हो चुका है। तो अगर ये जो है लगभग बोल सकते हैं कि 10 मिनट के लिए ही जो है टोटल बारिश हुआ। एक बार जो है वो बारिश हुआ और फिर से जो है बारिश बंद हो गया और फिर जो है बारिश स्टार्ट हो गया। तो यही है, तो एक बार इसे जो है क्लीन करके देख लेता हूँ। तो ये जो रोड है ना, यही सबसे जो है मतलब बेस्ट है। तो ऑब्वियसली ये जो है नेशनल हाईवे है तो बेस्ट तो होगा ही। भाई लोग ये जो रोड देख रहे हैं यही आ रहा है जो मनका नाली से होके यहाँ पर ही जो है वो जुड़ रहा है। तो ये जो जगह है इसका नाम है कोंटा, ठीक है, इसका नाम है कंटा। तो ये कंटा में आके ये जो रोड है ये एक ही रोड हो रहा है। तो ये वाला जो है ये मनका नाली से आ रहा है और छात्रा वाला जो है वो सीधा आपका आ रहा है गंगा जल घाटी में आके मिल रहा है। जो यहाँ से जो मेजिया का किलोमीटर है 30 है, रानीगंज 39, आसनसोल आपने देख ही लिया है। तो यहाँ पर जो है फिर से एक भारत पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप है और यहाँ पर जो है एक पानी का टंकी बन रहा है। तो अभी जो है रिसेंटली पश्चिम बंगाल सरकार ने जो है बिष्णुपुर को अलग कर दिया है बांकुड़ा से। तो इसमें जो है कुछ अच्छाई भी है जो बिष्णुपुर के लोगों के लिए थोड़ा अच्छा भी है और बुरा भी है। मतलब इतने सालों से जो है बिष्णुपुर और बांकुड़ा एक साथ हम लोग रह रहे थे एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अब अलग हो गए तो थोड़ा जो है मतलब इमोशनली अगर देखें तो ये अच्छा नहीं हुआ, और अगर जो है प्रैक्टिकली या फिर पॉलिटिकली देखें तो ठीक ही हुआ है। तो दोनों ही है, मतलब अच्छा भी है बुराई भी है, मतलब हर एक चीज़ का जैसे प्रोस एंड कॉन्स होते हैं ठीक है, इसका भी वैसे ही है। तो इसमें जो है मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सोच समझ के ही कुछ किए होंगे। तो अब प्रोटेस्ट हो रहा है चारों तरफ, मतलब बांकुड़ा में जो है प्रोटेस्ट छा गए हैं एकदम, तो वो भी ठीक ही है। मतलब सबका एक इमोशन जो है वो सामने आ रहा है, मतलब यही कारण है कि चारों तरफ जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो जगह है इसका नाम है गोविंदा धाम, ठीक है, और यहाँ से जो कोड़ो पहाड़ का जो डिस्टेंस है वो है लगभग 6.5 किलोमीटर और टाइम हो रहा है 4:11। तो अब जो है रानीगंज जाने के लिए सीधा जाना होगा एक चाला के लिए बाएं तरफ और जामुनी के लिए दाएं तरफ। तो मैं जो है सीधा ही ले रहा हूँ और ये जो है ये गोविंदा धाम गाँव है। तो अभी भी हम जो है NH 14 पे ही चल रहे हैं और आगे से जो है वो हम राइट ले लेंगे पूरे पहाड़ के लिए और फिर से जो है हम NH 14 पे ही आएंगे गंगा जल घाटी जाने के लिए। वहाँ पर जो है गंगुआ का डैम है तो वो डैम भी आपको दिखाएंगे। मेन जो डेवलपमेंट हुआ है वो गंगुआ डैम पे ही हुआ है, पूरे पहाड़ तो लगभग वैसा ही है, कोई डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हुआ। तो कोरो पहाड़ जो है एक मतलब धार्मिक प्लेस है, ठीक है, वो एक आश्रम है और ऊपर में जो है एक माता जी का मंदिर है। तो बस यही है मतलब पहाड़ में जो है, तो पूरा पहाड़ जो है आपको
आधा जो पहाड़ है वो तो आप जो है बाइक से ही जा सकते हैं, वो पूरा रोड बना हुआ है, और आधा पहाड़ के लिए आपको जो है सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा। तो सुसुनिया में जैसा है मतलब पत्थर है, कोई जो है मतलब प्रॉपर रोड नहीं है वहाँ पर, रोड ना तो रोड है ना तो कोई जो है सीढ़ियाँ हैं, लेकिन ये वाले पहाड़ पे जो है पूरा एकदम मार्बल का सीढ़ियाँ बना हुआ है। तो अब पूरा पहाड़ जो है वो आपको चढ़ने के लिए मैक्सिमम जो है आपका 10 मिनट ही लगेगा, ठीक है, मैक्स टू मैक्स मैं बोल रहा हूँ कि सबका 10 मिनट के ही आसपास लगेगा। तो अभी जो है लगभग कोरो पहाड़ जो है वो पहुँचने वाले हैं, अभी आगे से ही जो है यहाँ से हम जो है इन्हें छोटे इनको छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, और कोरो पहाड़ आपको दिखाने के बाद जो है गंगा जल घाटी पहुँचेंगे, और गंगदुआ डैम का जो है एक अलग से आपको वीडियो देंगे, ये वाले ब्लॉग पे तो वो नहीं होगा, लेकिन वो जो है अलग से एक वीडियो आपको दे देंगे डिटेल में, जैसा मतलब पूरे चीज़ों को आप देख सकें। तो मैं जो है लॉकडाउन के टाइम पे एक बार आया था, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि वो वाला जो है वो बंद था, तो पूरा आपको जो है वो नहीं दिखा सका। तो ये जगह का नाम जो है वो है रंगा माटी, तो रंगा माटी गांव को हम जो है क्रॉस कर रहे हैं, और वो जो देख रहे हैं वही है कोरो पहाड़, वो दूर में ऊपर में आपको छोटा सा मंदिर नज़र आ रहा होगा कि नहीं नहीं पता। तो अब जब से जो है वो फैक्ट्री का चिमनी देख सकते हैं, तो ठीक वहीं पर ही है पहाड़, आपको जो है पेड़ नज़र आ रहा होगा बहुत सारा जंगल जैसा, तो वही पहाड़ है। तो अब जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो चुका है, यही एकदम स्ट्रेट अब देखेंगे तो आपको जो है पहाड़ थोड़ा नज़र आ जाएगा। तो ये इतना हाइट नहीं है इस पहाड़ का, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है, तो पूरा मतलब जो है एकदम डेकोरेट किया हुआ है। तो सुसुनिया जो है वो अभी जो है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ये जो पहाड़ है ना ये पहले से ही डेवलप्ड है, तो इसके ऊपर जो है पूरा साफ सफाई एकदम ठीक ठाक है, ठीक है। वो ऊपर आप देख रहे हैं माता जी का मंदिर, तो हम सीधा यहाँ से जो है कट लेंगे और पहाड़ की तरफ चल देंगे। मेरा जो दोस्त है वो काफ़ी पीछे, अब फिर से यहाँ पर जो है 3-10 स्पीड ब्रेकर, अरे बाप, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ब्रिज टूट गया था 2016 में, जो है बहुत भयंकर बारिश आया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि ब्रिज जो है वो पानी के साथ ही बह गया था इसका कुछ पोर्शन। तो ये बिल्कुल मतलब जो है नैरो हो चुका है, यहाँ पर आप पोस्टर भी देख सकते हैं एकदम नैरो हो चुका है। तो जो है हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं इस ट्रक जो है वो क्रॉस कर जाए, उसके बाद ही हम जाएंगे, क्योंकि इतना जगह तो है नहीं। अब देख सकते हैं, अब ये जो नदी है इसका नाम है साली, ये साली रिवर है। तो यही जो मेन ब्रिज था ये टूट गया था इस साइड से, तो उसके कारण जो है ये नैरो हो चुका है, 2016 से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको रिपेयर नहीं किया है। अभी ये नेशनल हाईवे है, ये कोई ऐसा वैसा तो रोड है नहीं, खड़गपुर मोरग्राम नेशनल हाईवे है। यहाँ से जो है गंगा जल घाटी पुलिस स्टेशन के अंडर पड़ गया है, देख सकते हैं। अब जो है तो यहाँ से जो पहाड़ है ये साइड पे है, तो हम यहाँ से जो है ऐसे घूम के फिर ऐसे जाएंगे, मतलब एक पेस की तरफ ही, अब इसको जो है रोड को आप समझ सकते हैं। तो बेसिकली यही है पहाड़, तो हम आगे से राइट लेंगे फिर सीधा जाएंगे फिर लेफ्ट लेके हम जो है पहाड़ की तरफ चलेंगे।
तो रोड जो है बिल्कुल ईस्ट की तरफ। तो अभी आगे से ही हम जो है राइट लेंगे, मैप पे भी देख सकते हैं। तो ये जो जगह है इसका नाम है पूनरा, पूनरा इसका नाम है। तो यही जो है रोड था, हमने जो है इसको क्रॉस कर दिया, तो कोई बात नहीं, यहाँ से फिर से घूम लेते हैं। तो यही है मतलब पहाड़ की तरफ जाने का रास्ता। तो NH-14 को जो है हमने छोड़ दिए हैं और पहाड़ की तरफ चलने के लिए ये रोड पकड़ लिया है। अभी जो है पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ग्राउंड लेवल से हाइट पे जा रहा है अभी। तो देख सकते हैं ग्राउंड जो है वो धीरे धीरे नीचे होने लग गया है और हम जो है ऊपर चढ़ रहे हैं। तो यही है कोरो पहाड़, इधर का भी सीन हम देख सकते हैं। वहां पर जो है गंगा जल घाटी का सब कुछ।
भाई लोग अभी जो है हम पहाड़ से निकल रहे हैं और जो है अभी जा रहे हैं आपका गंगा जल घाटी की तरफ। तो वहाँ पर आपको गंगदुआ डैम भी दिखाएंगे। देखिए बच्चे लोग खेल रहे हैं थोड़ा समझ के। तो अभी जो है जस्ट पहाड़ से निकले हैं और फिर से हम जा रहे हैं नीचे 14 की तरफ और वहाँ पर जो है तो इस साइड का रोड ही जा रहा है आपका पहाड़ की तरफ। तो हम अभी जो है ऊंडा गांव को क्रॉस कर रहे हैं और उसके बाद पहुँचेंगे NH-14 और फिर सीधा हमको जाना होगा लगभग 7 किलोमीटर तब हम पहुँचेंगे गंगा जल घाटी और उसके बाद लगभग 1-2 किलोमीटर है। तो ये बिल्कुल शार्प बैंड था तो यहाँ पर जो है काफ़ी धीरे चलाना पड़ेगा। यही था बेसिकली जो पहाड़ है। तो हम ऐसे घूम के आ गए हैं और अभी जो पहाड़ है मेरा दाहिना तरफ है, यही जंगल पे ही पहाड़ है जंगल के बाद। तो ये वाला ही जगह आपको ऊपर से दिखाए है तो आपको पहचान में आया है कि नहीं नहीं पता, लेकिन आपको ऊपर से ये जो रोड है और ये जो जगह है ये पूरा क्लियर है, दिखता है एकदम ऊपर से। अब कैमरा में कितना रिकॉर्ड हो पाया है वो अभी देखना पड़ेगा क्योंकि कैमरा का जो स्क्रीन है ये बिल्कुल जो है छोटा सा एक स्क्रीन है। तो जब कंप्यूटर में लगाएंगे उसके बाद जो है सारा चीज़ें जो है एडिटिंग करने के टाइम पे वो क्लियर होगा। तो अभी जो है NH-14 नहीं पहुंचे। हम आ चुके हैं NH-14 पे। तो NH-14 का इस तरफ हम आए हैं बांकुड़ा से, अब जाएंगे इस साइड पे। क्योंकि ये जो है एक NH-14 है तो हमको देख के क्रॉस करना होगा। तो हम जो है अमरकनन को क्रॉस कर रहे हैं अभी। ये जो है अमरकनन है तो अमरकनन तो क्रॉस करने के बाद हम पहुंचेंगे गंगा जल घाटी। तो अभी जो हमारा टाइम हो रहा है वो है 4:56। तो ये है पहाड़ बेसिकली। तो हम आ चुके हैं अमरकनन, जहाँ अमरकनन का बोर्ड और बादल जो है वो इस साइड पे थोड़ा इकट्ठा हुआ है लेकिन बारिश जो है इस साइड पे नहीं हुआ है। बांकुड़ा में हो रहा था लेकिन अमरकनन के साइड पे जो है वो रोड सूखा ही है तो लग रहा है कि नहीं बारिश नहीं हुआ है। तो यही है बस अमरकनन है, आप देख लीजिए ये अमरकनन। तो अभी जो है आगे जाने के बाद हम पहुंचेंगे गंगा जल घाटी और गंगा जल घाटी जो
मतलब पहुंचने के बाद हम पहुंचेंगे जो है गंगदुआ डैम। तो ये जो ब्लॉग है ये मतलब आपका गंगदुआ डैम तक ही है ये वाला, और इसके बाद आपका जो है वो अलग वीडियो में हम देंगे, जो गंगदुआ डैम को भी आपको दिखाएंगे वो अलग वीडियो होगा। तो अभी जो है हम इसको ही क्रॉस कर रहे हैं जो आपका अमरकलन है। तो बादल आने से पहले जो है सारा ब्लॉग और वीडियो को जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अभी जो है हमारे घर से अमरकलन लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है, सॉरी अमरकलन तो जो है आपका 32 किलोमीटर, और गंगा जल घाटी ये लगभग 42 किलोमीटर के आसपास। वो अभी जो है हम अमरकलन को क्रॉस कर लिए हैं और गंगा जल घाटी की तरफ बढ़ रहे हैं। गंगा जल घाटी यहाँ से जो है लगभग 3.3 किलोमीटर के आसपास है, और बादल जो है वो लगभग आ चुका है एकदम काला बादल। वो जो है आगे फैक्ट्री इस साइड पे जो है आपका बादल क्लियर है, लेकिन इस साइड पे बादल अब नजर आ ही रहा होगा। तो इस साइड पे है आपका साली रिजर्वॉयर। तो गंगदुआ का जो डैम है वो इस साइड पे ही है, और ये जो जगह है इसका नाम है आपका कॉलेज मोड़। तो ये आप गेट देख सकते हैं। तो हम इस साइड पे घूम चुके हैं। हम जो है पहुंच चुके हैं साली रिजर्वॉयर स्कीम। ये है गंगदुआ का डैम, तो ये साली रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम टू साली रिजर्वॉयर स्कीम। तो इस साइड पे है आपका कंट्रोल रूम। तो चलिए भाई लोग, ये जो ब्लॉग है ये यहीं तक ही है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट पे ज़रूर बताना, और फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। सो Till then, bye-bye.